एक फौजी के माँ की कहानी। बहुत साल पहले की बात है, सुंदर नाम का एक प्यारा सा गांव था। उस गांव के लोग बहुत दयालु थे, एक दूसरे की मदद के लिए सदैव तत्पर रहते थे। यही वजह थी कि गांव के लोग बहुत खुश रहते थे। गांव के लोगों में इतना प्यार था कि वे एक दूसरे की खुशी और गम में शरीक होते थे। गांव के लोगों के को पेड़ पौधे लगाने का बहुत शौक था। तरह तरह के पेड़ पौधे, फूल, पत्तियां गांव की खूबसूरती में चार चांद लगाती थी। वाकई में ये गांव बहुत सुंदर था। शायद गांव की सुंदरता से मोहित होकर किसी ने इस गांव का नाम सुंदर रखा होगा। इस गांव की चर्चा लोग दूर दूर तक करते थे। एक दिन गांव से 3 दिनों का मेला लगा। ये मेला पहाड़ी लोगों के द्वारा गांव के लोगों की रजामंदी से लगाया गया। इससे गांव के लोग बहुत खुश हुए, क्योंकि ये पहला मौका था जब लोगों को अपने ही गांव में मेला देखने का सौभाग्य मिल रहा था। मेले में तरह तरह के झूले लगे थे। दुकानों और मिठाइयों से सजी दुकानें और तरह तरह की रोशनी की चमक से सुंदर गांव जगमगा रहा था। सभी लोग मेला देखने आ जा रहे थे। उसी गांव में एक बूढ़ी काकी रहती थी, जिसकी आंखों की रोशनी कम हो चुकी थी। उनके बारी बारी से हर कोई मेला ले जाया करता था, मेले की सैर कराता। आज मेला का आखिरी दिन था। आज बूढ़ी काकी को मेला दिखाने और सामान दिलाने एक शख्स बहुत खुशी से टहल रहा था। बूढ़ी काकी को मिठाई खाने का मन हुआ। वह शख्स मिठाई की दुकान पर ले गया। खूब देर तक मिठाई के बारे में बताया। जो काकी को पसंद आया उसे दिलाया और साथ बैठकर मुस्कुराते हुए खाया। दुकानदार को ये प्रेम देखकर अपनी माँ की याद आ गई। उससे रहा नहीं गया। उसने पूछा, काकी आपके कितने बेटे हैं? कल और परसों भी आप आई थी और आज भी तीनों दिन दूसरे दूसरे लोग आए हैं। सभी आपको बहुत प्यार और सम्मान करते हैं। आप बहुत सौभाग्यशाली हैं। क्या ये तीनों आपके बेटे हैं जो आपको बारी बारी से तीनों दिन मेला दिखाने आए हैं? काकी ने जवाब देते हुए कहा, हाँ, यह सब मेरे अपने हैं। पूरा गांव ही मेरा अपना है। बेटा और पति देश के खातिर शहीद हो गए। मैं फौजी की पत्नी और शहीद बेटे की माँ हूँ। वैसे तो मैं अकेली हूँ, कब का ख़त्म हो जाती, पर मेरा गांव के लोगों का इतना अपनापन और सेवा भाव मिला जिसके कारण मैं आज जिंदा हूँ। दुकानदार ने जब ये बात सुनी तो उसने कहा कि वाकई ये गांव सुंदर है। काश हम सब का गांव इतना सुंदर होता। वहाँ खड़े सभी लोगों ने उस गांव की प्रशंसा की और अपने अपने गांव सुंदर गांव की तरह बनाने की